जी दोस्तों, अफगानिस्तान टीम को 3 मैचों की T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद अब भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मौजूद इंग्लैंड टीम को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में कुचलने के लिए भारतीय टीम के 11 मुकेशों का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराने के लिए भारतीय टीम के सिर्फ विस्फोटक और खतरनाक खिलाड़ियों को ही मौका दिया है, जो इंग्लैंड टीम को पहले टेस्ट मैच में उनकी औकात याद दिला देंगे। तो दोस्तों, बताएंगे आपको भारत और इंग्लैंड दौरे का पूरा कार्यक्रम और कप्तान रोहित शर्मा ने जो इंग्लैंड को पहले टेस्ट मैच में कुचलने के लिए 11 भूखे शेरों को मौका दिया है। तो बने रहेगा आप हमारी इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पहला टेस्ट मैच कौन जीतेगा, भारत या इंग्लैंड? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। जा दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी भारतीय टीम ने बुधवार को बेंगलुरु में खेले गए डबल सुपर ओवर वाले T20 इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्तान को मात देकर 3 मैचों की T20 सीरीज में अफगानिस्तान टीम का 3-0 से सुपड़ा साफ कर दिया है। आपको बता दें कि हमारी भारतीय टीम और अफगानिस्तान के बीच तीसरा T20 मैच टाई रहा और मुकाबला सुपर ओवर में पहुंचा। पहले सुपर ओवर में मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आए, जिसमें अफगानिस्तान ने 1 विकेट पर 61 रन बनाए। फिर भारत ने रोहित शर्मा के 2 छक्कों से 1 विकेट गवाकर 16 रन बना लिए और स्कोर फिर टाई हो गया। भारतीय टीम ने इसके बाद दूसरे सुपर ओवर में जाकर मैच जीता। अब दोस्तों, हमारी भारतीय टीम और अफगानिस्तान टीम के बीच T20 सीरीज तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी क्रिकेट का रोमांच खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों अब हमारी भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की बेहद ही खतरनाक टेस्ट मैच अब हम सभी को देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि हमारी भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 25 से 29 जनवरी तक राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से 6 फरवरी तक डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, जबकि तीसरा टेस्ट मैच 15 से 19 फरवरी सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में खेला जाएगा। तो वहीं चौथा टेस्ट मैच 23 से 27 फरवरी JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में खेला जाएगा, जबकि पांचवा और अंतिम टेस्ट मैच 7 से 11 मार्च हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। आपको बता दें कि ये सभी मुकाबले सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे। दोस्तों, यह टेस्ट मैच 1 महीने तक चलने वाला है, जो काफी रोमांचक मुकाबला हम सभी को देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मैचों के लिए टीम घोषित कर दी थी। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया में युवा खिलाड़ियों को ही मौका दिया गया है। ध्रुव जुरेल की टीम इंडिया में एंट्री हुई है, वही अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बाहर रखा गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन भी टीम इंडिया में शामिल नहीं है। युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है, तो वही अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी टीम का हिस्सा नहीं है। शमी ने विश्व कप 2023 के दौरान घातक बॉलिंग की थी, उन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। हालांकि वे फिर भी टीम से बाहर हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है, वे अफगानिस्तान के खिलाफ हो रही T20 सीरीज का हिस्सा नहीं थे, इन दोनों को ब्रेक दिया गया था। आवेश खान और मुकेश कुमार जगह बनाने में सफल रहे हैं। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव भी टीम इंडिया में शामिल हैं। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन भी इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया में जगह बनाने में सफल रहे हैं, लेकिन ईशान किशन को मौका नहीं दिया गया है। ईशान को लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं, लेकिन हेड कोच राहुल द्रविड़ ने कहा था कि वे खुद ही ब्रेक पर गए हैं। टीम इंडिया में ध्रुव जुरेल की एंट्री हुई है, वे घरेलू मैचों में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं। करीब 23 साल के ध्रुव रेस्ट ऑफ इंडिया और अंडर 19 इंडिया ए के लिए भी खेल चुके हैं, उनका डोमेस्टिक में अच्छा रिकॉर्ड रहा है। ध्रुव ने 15 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, इनमें 790 रन बनाए हैं, इस दौरान 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं। इसके साथ ही 10 लिस्ट ए के मैच भी खेल चुके हैं। ध्रुव इंडियन प्रीमियर लीग में कमाल दिखा चुके हैं। अब चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड टीम को कुचलने के लिए आखिरकार किन किन खतरनाक खिलाड़ियों को मौका दिया है, आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, ओपनिंग में कप्तान रोहित शर्मा के साथ विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने आएंगे। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज अभी शानदार फॉर्म में हैं, जो हमने अफगानिस्तान के खिलाफ देखा ही है। कप्तान रोहित शर्मा ने तो अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में शतक जड़कर अफगानिस्तान टीम की बैंड बजाकर रख दिया है। दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिला रहे हैं, और दोस्तों सभी को उम्मीद है कि इंग्लैंड के खिलाफ भी ये दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाएंगे। वही दोस्तों, अगर तीसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों तीसरे नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल को मौका दिया है। दोस्तों, भले ही शुभमन गिल का बल्ला अभी खामोश चल रहा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि शुभमन गिल कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, और कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ सभी को उम्मीद है कि शुभमन गिल पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोखा रख देंगे, जबकि चौथे नंबर पर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली अंग्रेज गेंदबाजों की बैंड बजाने आएंगे, जबकि पांचवे नंबर पर श्रेयस अय्यर इंग्लैंड टीम के धागे खोलने आएंगे, जबकि छठवें नंबर पर विकेट कीपिंग के साथ साथ खतरनाक बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी लोकेश राहुल को दिया गया है। अब दोस्तों, अगर सातवें और आठवें नंबर की बात करें तो दोस्तों इसमें ऑलराउंडर के रूप में रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया है, जबकि तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजों की बैंड बजाने आएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड टीम को कुचलने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने सिर्फ खतरनाक और विस्फोटक खिलाड़ियों को ही मौका दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पहले टेस्ट मैच में हमारी
भारतीय टीम इंग्लैंड को हरा पाएगी? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताना। जय हिंद। वही दोस्तों आपको एक और खबर भी बता दें, मोहम्मद सिराज की जीवनी, उम्र, गर्लफ्रेंड, रिकॉर्ड, नेटवर्थ, परिवार और कुछ रोचक तथ्य। जय दोस्तों, मोहम्मद सिराज एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है जो दाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं। सिराज घरेलू क्रिकेट में हैदराबाद के लिए खेलते हैं जबकि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते हैं। मोहम्मद सिराज आईपीएल इतिहास में एक मैच में दो मैडन ओवर डालने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं। सिराज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज हैं और वह अपने घातक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। मौजूदा समय में वह भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज हैं। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद के एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद गौस एक ऑटो रिक्शा चालक थे और उनकी माँ सबाना बेगम एक हाउसवाइफ है। उनके भाई मोहम्मद इस्माइल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आर्थिक तंगी के कारण सिराज का बचपन काफी संघर्ष और कठिनाइयों से भरा रहा। मोहम्मद सिराज के लिए क्रिकेट खेलना आसान नहीं था, लेकिन उनके पिता का सपना था कि उनका बेटा क्रिकेटर बने, जिसे सिराज ने अपनी कड़ी मेहनत से पूरा किया और अपने परिवार का नाम रोशन किया। मोहम्मद सिराज ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सफा जूनियर कॉलेज नागपल्ली हैदराबाद से पूरी की। उन्होंने केवल 12वीं तक पढ़ाई की है। परिवार की आर्थिक तंगी के कारण सिराज की शिक्षा की कमी आई। बचपन से ही मोहम्मद सिराज को क्रिकेट में दिलचस्पी थी। उन्होंने महज 7 साल की उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। सिराज को क्रिकेटर बनाने के लिए उनके पिता उन्हें रोज 100 रुपए देते थे, जिससे सिराज अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते और क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाते थे। वह कभी किसी क्रिकेट एकेडमी में नहीं गए और न ही उनके पास कोई कोच था। पहले वह टेनिस बॉल से गली क्रिकेट खेला करते थे। 2015 में पहली बार सिराज ने लेदर बॉल से खेला, जब एक दोस्त के बुलाने पर सिराज चार मीनार क्रिकेट क्लब में नेट्स पर गए और अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने एक मैच में 5 विकेट लिए और जल्द ही उनकी कड़ी मेहनत का फल मिला, क्योंकि उन्हें राज्य के अंडर 23 टीम में संभावित खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया था। मोहम्मद सिराज ने 2015 में घरेलू क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। 15 नवंबर 2015 को उन्होंने 2015-16 रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद टीम के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। इसके बाद जनवरी 2016 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, 2015-16 में उन्होंने T20 क्रिकेट में भी डेब्यू किया। 2016-17 रणजी ट्रॉफी में सिराज हैदराबाद के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने 9 मैचों में 18.92 की औसत से 41 विकेट झटके। फिर उन्हें शेष भारत टीम के लिए खेलने के लिए चुना गया और उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें जुलाई 2017 में दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया। 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी में सिराज 7 मैचों में 23 विकेट लेने के साथ अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। अक्टूबर 2018 में सिराज का नाम 2018-19 देवधर ट्रॉफी के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया गया। अक्टूबर 2019 में उन्हें 2019-20 देवधर ट्रॉफी के लिए इंडिया बी की टीम में शामिल किया गया था। इसके बाद सिराज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की ओर बढ़ते गए। रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने के बाद मोहम्मद सिराज ने 2017 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था। सिराज को आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने 2.6 करोड़ रुपए की बड़ी रकम पर